फ्रेंड्स, कई बार रात के समय आकाश की तरफ देखने पर लगता है कि कोई तारा टूटकर एक चमकीली लाइन बनाता हुआ वायुमंडल में गायब हो गया। इसे हम तारा टूटना कहते हैं। टूटकर गिरने वाले ये आकाशीय पिंड तारे नहीं होते, उल्काएं होती हैं। जब भी कभी कोई पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के पास में आ जाता है तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यह पिंड पृथ्वी की ओर खिंच जाता है और इसके खिंचने से इसका वेग बढ़ जाता है और वायुमंडल के घिसने के कारण यह इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से गैसें निकलने लगती हैं। ये गैसें जलने लगती हैं जिससे वायुमंडल में रोशनी हो जाती है और गर्मी में घर्षण के कारण इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो वायुमंडल में बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ पिंड बड़े होने के कारण वायुमंडल में खत्म नहीं हो पाते, इसलिए उनके हिस्से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हमें उल्काएं वायुमंडल में 112 किलोमीटर पर दिखाई देने लगती हैं और कुछ उल्काएं वायुमंडल से जमीन पर 80 किलोमीटर दूर की ऊंचाई तक आते ही खत्म हो जाती हैं और इनका भी 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। उल्कापात दिन और रात दोनों में ही होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। जब कभी पृथ्वी किसी कॉमेट के रास्ते से निकलती है तो कुछ टुकड़े पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है। फ्रेंड्स, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड लगभग 27 टन का है। उल्काएं तीन टाइप की होती हैं। पहली तरह की उल्का को डूबता तारा कहते हैं और ये कम लाइट वाले तारे की तरह दिखती हैं। दूसरी तरह की उल्का उल्का प्रस्तर कहलाती है और ये इतनी बड़ी होती है कि इसका कुछ अंश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और तीसरी तरह की उल्का अग्निपिंड कहलाती है, ये बड़ी होने पर भी आकाश में टूट जाती है। फ्रेंड्स, उल्काओं का बाहरी सतह तो गर्म होता है लेकिन अंदर से ये ठंडी होती है और ऊपरी सतह के पिघल जाने से इसके बाहर एक पतली चमकती परत जम जाती है। उल्का पिंड की आकृति पृथ्वी के साधारण रवेदार पत्थरों की तरह होती है और कुछ उल्का पिंडों में चेचक की तरह गड्ढे होते हैं। फ्रेंड्स, उल्का पिंडों के रवेदार होने से पता चलता है कि पत्थर कभी लिक्विड स्टेज में रहे होंगे। वैसे उल्का पत्थर, लोहा, निकल और कई चीजों से मिलकर बनी होती हैं। फ्रेंड्स, 30 जून 1908 को साइबेरिया के नेईसाई नाम के एक छोटे प्रांत में सुबह 7 बजे एक बहुत बड़ी उल्का देखी गई और इसकी भयानक आवाज को सुना गया। इसके गिरने पर धरती कांप उठी और घना जंगल खत्म हो गया। जमीन फट के गड्ढे बन गए और 50 मील तक के मकान गिर गए और बहुत से लोग मर गए। इसके पत्थर जमीन के इतने अंदर चले गए कि उनका आस्था भी पता नहीं चल पाया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार एरिज़ोना में 1.6 किलोमीटर व्यास का एक गड्ढा है जिसके अंदर की दीवार 600 मीटर ऊंची और बाहर की दीवार मिट्टी के बाहर आ जाने से लगभग 140 मीटर ऊंची है। 5 किलोमीटर तक इस उल्का के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। इस उल्का को गिरे हुए 1020 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स, भारत में कई उल्का खंड कलकत्ते के म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं और अमेरिका में अब तक 672 उल्का पिंडों के अवशेष म्यूजियम में इकट्ठे किए जा चुके हैं।